बाबा के पास जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी मन शांति और गृह शांति का स्रोत वही है। बाबा, आप यहाँ बैठे, चलिए घर चलिए। आई आपके लिए परेशान है। क्या कह रही थी अभी तुम, और कौन से बाबा की बात कर रही थी तुम? बाबा, कौन से बाबा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बाबा, मैं तो बस अभी अभी आई हूँ और आपको घर चलने के लिए कहा। लेकिन मैंने उन शब्दों को सुना, स्पष्ट रूप से सुना। अगर तुमने नहीं कहे वो शब्द तो? आई, क्या वो आप थी? आपने वो शब्द कहे? क्या आप मुझे रास्ता दिखाने आई थी? कौन से बाबा के पास जाना है मुझे? किस बाबा की बात कर रही थी वो? साई, नमस्ते। साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। नरोबा, तुम इस वक्त और अपनी आई को भी साथ लाए हो? आई ने आपसे मिलने की जिद पकड़ ली साई, और मुझे भी पकड़ के लेकर आ गई आपके पास। साई, अब इससे तो अपनी चिंता रहती नहीं, पर मुझे तो है। बस इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा इसे लेकर। आइए, अंदर आइए। छींक दिया ना? तुझसे कितनी बार कहा है कि शुभ काम के लिए जाते समय छींका मत कर। हो गया ना अपशगुन? अब तू यहाँ रुक और मन में 10 तक की गिनती कर, उसके बाद ही हम अंदर चलते हैं। छींक, खांसी, हिचकी, ये सब अनायास आते हैं, इन पर किसी का वश नहीं चलता। और जिस पर किसी का वश ना चले, उनमें शगुन कैसा और अपशगुन कैसा? मन में अंधविश्वास की जगह विश्वास को लाइए और ईश्वर का नाम लेकर अंदर आइए। बाकी अल्लाह मालिक। साई, आप तो जानते ही है कि नारायण का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा है। मैं ढूंढ ढूंढ कर हार गई हूँ। लड़की वाले सब ना कहते हैं। मेरी चिंता ये है कि मेरे बाद इसका ध्यान रखने वाला कौन होगा? साई, कृपा करके अब आप ही कोई उपाय बताइए, या ऐसी कोई लड़की जो इसे शादी करने के लिए तैयार हो। मुझे दान दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अपने शुभ कदम लेकर मेरे घर आए, यही काफी है मेरे लिए। आ, 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 आ,
ये नारियल रख लीजिए, जिस दिन ये पक जाएगा समझ लो उसी दिन आपकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन एक बात, जब ईश्वर अपनी कृपा का प्रसाद देगा बस उस वक्त अपनी झोली समेटने की गलती मत कीजिएगा। जी साई, ध्यान रखूंगी। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आई सप्तशृंगी ने आपको कौन से बाबा के पास जाने को कहा है। कहीं भोले बाबा तो नहीं? आदि देव महादेव शायद उन्हीं के पास जाने के लिए कहा हो। हाँ ये हो सकता है। हो सकता है नहीं आई, यही होगा। वणी के पास एक ही तो तीर्थ स्थान है भोले बाबा का, त्र्यंबकेश्वर। मेरे विचार से सुलक्षणा सही कह रही है, हाई सप्तशृंगी ने उन्हीं के बारे में कहा होगा। ठीक है, मैं कल ही त्र्यंबकेश्वर जाता हूं और भोले बाबा का रुद्राभिषेक करता हूं। क्या हुआ, उदास हो गई? अब तो सब ठीक होने वाला है। तुम्हारी आई सप्तशृंगी नहीं तो ये रास्ता दिखाया है मुझे। बाबा मैं जानती हूँ इस समय हमारे पास पैसे नहीं है, और अब ये त्र्यंबकेश्वर का खर्चा। खर्चे की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है बेटी, तेरा बाबा तेरी खुशी के लिए सात समंदर पार करके चला जाएगा। त्र्यंबकेश्वर तो फिर भी बहुत पास है। मुझे यकीन है बाबा, इसके बाद हमारे सारे दुख सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। श्रुता जी, मेरे त्र्यंबकेश्वर जाने की तैयारी करो। कल सुबह ही मैं त्र्यंबकेश्वर के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरी तलाश में तुम त्र्यंबकेश्वर जाकर भोलेनाथ की सेवा करोगे, ये तुम्हारे साथ साथ मेरा सौभाग्य है काका जी। और तुम्हारी मदद करके मुझे देवी माँ के आदेश का पालन करने का मौका भी मिलेगा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा।
पापा जी, ये आंगन में गंदा पानी? वो नाले का पानी जमा हो जाता है कभी कभी। तुम आओ ना। माधव आओ। हाँ। माधव। हाँ। क्या हुआ? चलो। चलो आओ। पापा जी, ये घर है या मुर्गी का दरबा? बाहर गंदा पानी जमा है, पूरे घर में जाले लगे हुए, इतनी गंदगी। साई कहते हैं स्वच्छता में लापरवाही बीमारियों को न्योता देने समान है। शायद इसीलिए आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। अब समझ आया साई ने हमें यहां क्यों भेजा, और उन्होंने ये क्यों कहा था कि उन्हें जब भी कोई चीज नहीं मिलती तो वह द्वारका माई की सफाई करते हैं। हम भी यहां की सफाई करेंगे। इसी बहाने घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और हमें वो खोई हुई सिगड़ी भी मिल जाएगी। तुम्हारी खांसी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो, तुम्हारी नानी के यहाँ जाने से पहले हम साईं से थोड़ी उदी ले लेते हैं। आई, मेरी खांसी तो ठीक हो गई, गले की तकलीफ भी चली गई। इतने दिनों से जो खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो अचानक से कैसे? ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का
का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओम साई 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 ओम साई। भोले बाबा, आई सप्तशृंगी के कहे अनुसार मैं यहाँ आया, आपकी प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक किया। अब हमारी परेशानियां दूर कीजिए। पापा जी, सारे घर की सफाई हो गई लेकिन वो सिगड़ी अब तक नहीं मिली। भाऊ, अभी भी एक कमरा बाकी है। अगर वो सिगड़ी मेरे घर में है तो जरूर उसी कमरे में ही होगी। पापा जी, साईं ने कहा है तो जरूर वो सिगड़ी इसी घर में होगी, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, साईं ने इस घर की पुरानी सिगड़ी ही क्यों मांगी? अब मुझे पूरा विश्वास है मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं आ रहा हूं बेटी। भगवान, मेरे बाबा की पूजा सफल हो और हमारे जीवन से दुख के बादल हमेशा हमेशा के लिए छट जाएं। काका जी, काका जी, आप बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। आइए, अंदर आइए। जी प्रणाम। प्रणाम। आजकल काका जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कहाँ हैं वो आजकल? जी वो त्र्यंबकेश्वर गए हैं, जैसे ही लौटेंगे आपसे मिलने कह दूंगी।
त्र्यंबकेश्वर कोई खास बात? बस समझ लीजिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढने गए। क्या ये सच है कि गांव वालों ने आपको मोहलत दी है 1 महीने की? आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे लौटाए बिना हम वणी गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा ने आज तक किसी का पैसा नहीं रखा। हाँ ये सच है कि हमारा समय अभी थोड़ा बुरा चल रहा है, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपके पैसे डूबेंगे नहीं। बाबा सूद समेत आपके पैसे वापस कर देंगे, आई सप्तशृंगी की शपथ। काका जी मेरे अपने हैं, उनकी माली हालत मुझसे छिपी नहीं है। आजकल लोग उन्हें पूजा पाठ के लिए नहीं बुला रहे, यह भी मुझे मालूम है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कहकर हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। यकीन मानिए हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप, मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ। गांव वालों को भले ही इंसान की कदर ना हो लेकिन मुझे है। इतनी सुंदर सुशील लड़की को गांव वाले अपशगुनी कहते हैं, बड़े शर्म की बात है। इस बेचारी की हालत मुझसे बेहतर कौन समझेगा। ज्ञा के पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आए। अपने अजीज को खोने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मेरी 3-3 बीवियां भगवान को प्यारी हो गई, अकेला हूं, जिम्मेदारियां हैं और लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं 4थी शादी करने की। अपनी लड़की कोई नहीं देना चाहता। अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक तरीका है जिससे आपका खर्चा भी चुक जाएगा और आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी। जी कैसा तरीका? सुलक्षणा की शादी मुझसे करवा दीजिए। अगर आप लोग चाहें तो आपका कर्ज भी चुक जाएगा और इसकी शादी भी हो जाएगी। जी कैसा तरीका? सुलक्षणा की शादी मुझसे करवा दीजिए। मंजूर है? पाओ कबर में लटके हैं आपके और आप शादी के ख्वाब देख रहे हैं। ये बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुलक्षणा की उम्र की पोतियां हैं आपकी, अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना आपने तो मैं आपकी आंखें फोड़ दूंगी। भलाई का जमाना नहीं रहा, एक तो मेरे पैसे खा के बैठे हुए हैं, ऊपर से पैसे मांगने आ रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं। इस बात की सजा तो मैं तुमको दूंगा, जरूर दूंगा। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा मकान चाहिए, मकान आज से ठीक 10 दिन के अंदर। अगर तुम्हारे पति ने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारा मकान मैं जब्त कर लूंगा, समझी?
सड़क पर लाकर छोड़ूंगा। जी ये दीवार इसमें कुछ तो है। मैं भी आया। मिल गई सिगड़ी। इसमें क्या है? किसकी चिट्ठी है? ये तुम्हारे आई बाबा की चिट्ठी है जो उन्होंने एक दूसरे को लिखी थी। तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी आई को लिखना सिखाया था और उन्होंने मुझे बचपन में अध्यापक बनने के लिए प्रेरित किया था। आगे पढ़ो। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में जिसे पढ़कर तुम भावुक हो गए? जब तुम छोटे थे तो एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे। तभी काकी ने हमारी कुल देवी से मन्नत मांगी थी कि इस मुश्किल घड़ी से छुटकारा मिल जाए तो वो देवी के गढ़ जाकर उन्हें चांदी की चुंदरी अर्पित करेगी और गांव के गरीबों को रजाइया दान में देंगी। हाँ, मुझे याद है, आई ने अपने अंतिम दिनों में बताया था। आई हमेशा दुखी रहा करती थी। अस्वस्थ होने के कारण आई कुल देवी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। लेकिन आई ने कभी ये नहीं बताया कि वो क्या मन्नत मांगी थी। अच्छा हुआ आज पता चला। भाऊ, मैं अपनी आई की मन्नत जरूर पूरी करूंगा। वैसे भी साईं बाबा की कृपा से सब कुछ है हमारे पास और आई की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। ठीक कहा पापा जी, मैं भी यही सोच रहा था। पर भाऊ, हमारी कुलदेवी है कौन? आई सप्तशृंगी। महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम। राम जी भला करें।
ईश्वर की माया भी निराली है। समय रहते लोगों को सही रास्ते पर पहुंचाने का इंतजाम वो कर ही देता है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या बात है तात्या, परेशान क्यों? मैं अभी पुणे से आ रहा हूं साईं। पुणे के पास एक गांव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, राम जी काका। आप जानते हैं उन्हें? कभी मिले नहीं है। मैं भी आपसे क्या पूछ रहा हूं साईं, आपसे कौन छुपा है? आप तो सबका हाल जानते हैं, फिर राम जी काका तो आपके भक्त हैं। सालों पहले मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था, बस अभी से आपके भक्त हो गए वो। फिर मैंने परी से कहकर आपका एक चित्र भी बनवाया था उनके लिए, और यहाँ की मिट्टी भी दी थी उन्हें। ये समझ लीजिए कि आप ही उनके जीवन का केंद्र बन गए हैं, हर समय बस आप ही का ध्यान करते रहते हैं। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। साई, पिछले कई सालों से राम जी काका को शिरडी आकर आपके दर्शन करने का बहुत मन है, लेकिन किसी ना किसी काम में फंसे रहने की वजह से वो नहीं आ पाए, और इसका बहुत दुख रहता है उन्हें। कोई बात नहीं तात्या, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, और वैसे भी जीवन में हर काम सही समय आने पर ही होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता साईं कि काका का वो समय कभी आ पाएगा, क्योंकि क्योंकि वो तो अभी यहां कभी आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? पिछले कुछ महीनों से काका बहुत दर्द, बहुत तकलीफ में है साईं। साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। काका की गर्दन के पीछे एक बहुत बड़ा जख्म हो गया है, लाख दवाइयां की लेकिन लेकिन कोई असर नहीं। अब तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। बस आप ही का नाम ले लेकर मौत की दुआ मांग रहे हैं वो, इसलिए पुणे से आया, तो उनकी चिंता साथ लेकर आया साईं। बहुत बुरे हाल में मेरे काका साईं, मैं उनके लिए थोड़ी सी उदी लेकर जाना चाहता हूं, इस तरह आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचेगा और उन्हें शक्ति मिलेगी साईं। उदी की जरूरत नहीं पड़ेगी तात्या। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए,
मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई प्रभु दादा कहता है आप परम ब्रह्म है, फिर आप मेरी पीड़ा से अनजान कैसे है। मैंने बहुत सुखी जीवन जिया है, मैं अब ये दर्द सहन नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे सांसारिक सुख को त्याग कर आपके चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कहीं जाने से पहले हजामत तो बनवा लीजिए बाबूजी। मुझे नहीं बनवानी हजामत। हजामत के साथ मालिश मुक्त है बाबूजी, सिर्फ आपके लिए चुस्ती फुर्ती और चमक आ जाएगी आपके शरीर में। अरे बेटा, जो भगवान के घर जाने की कामना रखता है उसके लिए हजामत और मालिश किस काम की। भगवान को भी अच्छा लगेगा आपको साफ सुथरा देखकर, चुस्त तंदुरुस्त चमकदार देखकर। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। बोनी नहीं हुई बाबूजी, दो पैसे मिलेंगे तो मेरे परिवार वाले दो निवाले खाकर आपको दुआ देंगे। बेटा मेरे गर्दन में घाव है। उसकी चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बल्कि मेरे मालिश से जब खून में रवानी आएगी ना तो घाव को भी आराम मिलेगा। अपने भले के लिए ना सही, इसकी बोनी करा के इसके परिवार का तो भला कर सकता हूं। आ जाओ बेटा। बापूजी आप शांति से बैठिए, कुछ नहीं होगा। पता चला कुछ हो गया ना, अब मैं मालिश कर देता हूँ बाबूजी आपकी। ध्यान से बेटा, मेरी गर्दन पे घाव है। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए। बाबूजी आप आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा आपको। ओम साई राम, ओम साई राम। साई नाम का एक ही धागा ले जाएगा पार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। अंधियारे हर पथ पे बंदे, साई करे उजाला। हम भटकों को राह दिखाए, हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला। हर पाप हर रोग मिटाए, साई नाम की ज्वाला। ओ साई, ओ साई।
अरे वाह, मेरे हाथों में तो कमाल है बेटा। बहुत महीनों के बाद आज थोड़ा आराम मिला है। क्या इनाम दूं तुझे? बाबूजी, आपको आराम मिला इसी में मेरी खुशी है। यही मेरा इनाम है। जरा से गर्दन घुमाने पे जान निकल जाती थी, लेकिन आज दर्द क्यों नहीं हुआ? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बाबूजी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पैसा लेके आता हूँ। कहाँ गया है बेटा? कहाँ हो तुम बेटा? बेटा, जिस तरीके से किसी ने तुम्हारी मदद की, वैसे ही तुम भी किसी और की मदद करो। अब तो ठीक हो गए हो, शिरडी आना। साई, साई खुद चल कर आए। मेरी पीड़ा दूर कर दे साई, सब खुद चल कर आए हैं। हे साई, ये कैसा रिश्ता है आपका भक्तों से, ये कैसी कृपा है आपकी भक्तों पर। जिस भक्त को आपने कभी देखा नहीं, जो भक्त कभी आपकी शिरडी में आया नहीं, उस भक्त की पीड़ा दूर करने के लिए आप इतनी दूर आए। आपने खुद आकर मुझे न्योता दिया है साई। मैं शिरडी जरूर आऊंगा, मैं शिरडी जरूर आऊंगा। अगर मैं शिरडी नहीं आया तो मेरी ये जीवन यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जानता है कि हम उसके पैसे 10 दिनों के अंदर नहीं दे सकते, इसी बात का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वो नीच। हमें बेइज्जत करना चाहता है, वो हमारा घर हड़पना चाहता है। मैंने तो सोचा था कि अब हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। आई सप्तशृंगी के निर्देश पर मैं भोले बाबा के दरबार में हाजिरी भी लगा कर आ गया, पर यहां तो एक और मुसीबत खड़ी हो गई।
न मन शांति मिली न ग्रह शांति। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राम जी भला करें। साईं, जब हम घर पहुंचे तो हमें पता चला कि सिगड़ी मंगाने के पीछे आपकी क्या मंशा थी। साफ सफाई के दौरान मुझे आई की एक चिट्ठी मिली और जब माधव ने वो चिट्ठी पढ़ी तो हमें एहसास हुआ कि सिगड़ी मंगाना तो एक माध्यम था। आप मुझे आई की अधूरी इच्छा तक पहुंचाना चाहते थे, मुझे स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। बाबा जी, स्वस्थ वातावरण स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन का आधार है। साईं, हमने अपनी आई की मदद पूरी करने का फैसला किया है। मालिक तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी दे। राम जी भला करें।